नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा मनोहर सिंह, भारतीय थिएटर अभिनेता, निर्देशक और हिंदी फिल्मों के चरित्र अभिनेता। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मनोहर सिंह एक भारतीय थिएटर अभिनेता, निर्देशक और हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता थे। 1984 में इन्होंने पार्टी फिल्म में काम किया था। इसके अलावा लॉटरी 1989, इन फिल्मों में इनके अभिनय के लिए इन्हें सदैव याद किया जाएगा। थिएटर से अपने अभिनय की शुरुआत करते हुए वो थिएटर निर्देशक बने और बाद में सिनेमा में जाने से पहले 1976 से 1988 तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कंपनी के प्रमुख रहे। एक थिएटर अभिनेता के रूप में उनकी सबसे प्रसिद्ध तुगलक में तुगलक का अभिनय है, जिसके निर्देशक थे इब्राहिम अलकाई जी। मनोहर को संगीत नाट्य 1982 में संगीत के लिए अकादमी द्वारा प्रदर्शन हिंदी थिएटर नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2003 में थिएटर ने अपने काम में एक फोटो प्रदर्शनी आर्ट हेरिटेज गैलरी दिल्ली में आयोजित की, जिसमें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक छात्र के रूप में उनका पहला नाटक, जिसका नाम था द काशियन चौक सर्कल, जो कि 1968 में खेला गया था। वहां से लेकर उनके थिएटर की संपूर्ण यात्रा को इसमें वर्णन किया गया है, जैसे कि तुगलक, किंग लियर, कहो कथा खजुराहो की, मदर माई और द थ्रिपेन ओपेरा। मनोहर वार्षिक श्री राम भारती कला केंद्र प्रोडक्शन में राम में वॉइस ओवर किया करते थे। 12 अप्रैल 1938 में हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास कौरा नाम के एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ। मनोहर सिंह को पहली नौकरी राज्य सरकार द्वारा संचालित ड्रामा डिवीजन में मिली। उन्होंने 1975 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके तुरंत बाद एनएसडी रेपर्टरी में नाटकों का निर्देशन करना शुरू किया। इसके बाद 1971 में कत्ल की हवा से, इसके बाद 1976 में वो एनएसडी के दूसरे प्रमुख बने और 1988 तक बने रहे। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी द्वारा 1982 में संगीत नाट्य एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनके एनएसडी के संस्थापक, उनके गुरु इब्राहिम अलकाइजी द्वारा निर्देशित किया गया नाटक तुगलक में तुगलक की शीर्ष भूमिका के शानदार प्रदर्शन के लिए मनोहर को सदैव याद किया जाएगा। 80 के दशक के अंत में एनएसडी रिलीज के बाद वो दिल्ली थिएटर परिदृश्य में सक्रिय हो गए। उन्होंने पगला राजा, मिक माई, लक्ष्मी बर्बर और नागमंडल जैसे कुछ यादगार नाटकों में काम किया। मशहूर थिएटर हस्ती अमल और निसार अल्लाह के साथ भी उन्होंने काम किया। मनोहर सिंह की पत्नी का नाम निर्मल था, इनके दो बच्चे थे, दोनों बेटियां थी, एक का नाम मीरा और दूसरा का नाम रचना। मनोहर फिल्म और टेलीविजन चैनल पर आधारित विवादास्पद फिल्म किस्सा कुर्सी का से शुरू किया, जिसमें उनके साथ शबाना आजमी ने काम किया था। ये विवादास्पद फिल्म थी, इसके सारे प्रिंट सरकार ने जब्त कर लिए थे। इन्होंने गोविंद नैलानी की पार्टी, मृणाल सेन की एक दिन अचानक, ये वो मंजिल तो नहीं, रुदाली, डैडी समेत 27 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। इन्होंने यश चोपड़ा के साथ काम किया। यश चोपड़ा की फिल्म चांदनी, लम्हे, ये सब मुख्य धारा की फिल्में थी। इसमें उन्होंने अपने अभिनय क्षमता का प्रदर्शन किया। उनकी आखिरी फिल्म थी एवरीबडी सेज आई एम फाइन, जो कि 2001 में रिलीज हुई। मनोहर ने नीना गुप्ता के साथ दर्द और पंचिन सहित कई सफल धारावाहिकों में काम किया। मनोहर की मृत्यु 14 नवंबर 2002 को नई दिल्ली में फेफड़े के कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, एक बार संक्षिप्त में जानकारी इनके बारे में देना चाहूंगा। मनोहर सिंह का जन्म
12 अप्रैल 1938 को शिमला पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ। इनकी मृत्यु हुई 14 नवंबर 2002 को नई दिल्ली भारत में हुई। ये 1971 से लेकर 2002 तक लगातार सक्रिय रहे। 1982 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों इन्होंने स्नातक किया था। 1975 में चंडीगढ़ से इन्होंने पत्रकारिता का कोर्स किया था। कुछ खास बातें, इनकी पत्नी का नाम निर्मल, इनके दो बेटियां थी मीना और रचना। मनोहर सिंह ने अपने करियर एक थिएटर कलाकार के रूप में शुरू किया और बाद में वो वित्तीय सहयोग से लेकर अपने परिवार और बच्चों के समर्थन के लिए टेलीविजन शो और बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया। उन्हें हमेशा थिएटर परफॉर्मेंस पसंद रही। उनके मशहूर नाटक ओथेलो, किंग लियर, लुक बैक इन एंगर, थ्री पेनी, ओपेरा, टिक्स माई जैसे काम के लिए सदैव याद किया जाएगा। 1971 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्नातक होने के बाद उन्होंने एनएसडी के साथ नाटक का निर्देशन करना शुरू किया और 1976 में एनएसडी रेपर्टरी कंपनी के प्रमुख बने। 1988 तक इसी पद पर रहे। मनोहर सिंह की पहली फिल्म किस्सा कोसी का था, एक राजनीतिक रूप से अशोभनीय थी और इसलिए एक विवादास्पद फिल्म थी। ये 1975 में रिलीज हुई थी लेकिन फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इनके सभी प्रिंट को सरकार ने जब्त कर लिया। दूसरा संस्करण 1977 में रिलीज किया गया। मनोहर सिंह ने नई दिल्ली टाइम्स 1986 में मैं आजाद हूँ 1979, साजरी 1989, बैनर 1992, 1942 अ लव स्टोरी, एवरीबडी सेज आई एम फाइन 2001 जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया। उनके अभिनय करियर में मुल्ला नसरुद्दीन 1990, दर्द 1993, अनाड़ी 1995, पलछिन 1999 जैसे प्रसिद्ध टेलीविजन धारावाहिक शामिल है। 1982 में मनोहर सिंह को भारत के राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी संगीत नाट्य अकादमी द्वारा संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने सालाना श्री राम भारतीय कला केंद्र प्रोडक्शन से राम में एक वॉइस ओवर भी पेश किया था। उनकी पत्नी का नाम निर्मल, निर्मल की मृत्यु के 2 महीने बाद ही मनोहर सिंह की लंबी बीमारी के कारण 14 नवंबर 2002 को फेफड़े के कैंसर से इनकी मृत्यु हो गई। उनकी स्मृति में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा मनोहर सिंह स्मृति पुरस्कार नामक एक पुरस्कार स्थापित किया गया था जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को 50 वर्ष की आयु तक का युवा स्नातक प्रदान जाता है। 2003 में थिएटर ने अपने काम में एक फोटो प्रदर्शनी आर्ट हेरिटेज गैलरी का आयोजन किया गया था जिसमें उनका पहला नाटक द कार्शल चाक सर्कल 1968 से लेकर उनके आखिरी नाटक द थ्रिपेन ओपेरा तक का चित्रण कलानुक्रमित क्रम में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने 27 से अधिक फिल्मों में काम किया और कई धारावाहिकों में काम किया। इनकी प्रमुख फिल्मों के नाम किस्सा कुर्सी का 1977, पार्टी 1984, दामन 1985, तमस 1986, नई दिल्ली टाइम्स 1986, ये वो मंजिल तो नहीं 1987, मैं आजाद हूँ 1989, डैडी 1989, एक दिन अचानक 1989, चांदनी 1989, हमारी शादी 1990, लेकिन 1990, पत्थर के फूल 1991, कस्बा 1991, दीक्षा 1991, लम्हे 1991, सड़क 1991, तिरंगा 1992, कर्म योद्धा 1992, रुदाली 1993, गुनाह 1993, दिव्य शक्ति 1993, आजा मेरी जान 1993, 1942 अ लव स्टोरी 1993, तर्पण 1994, दुश्मन एक हिंसक प्रेम कहानी 1995, भैरवी 1996, इनके प्रमुख टेलीविजन शो राग दरबारी, मुल्ला नसरुद्दीन 1990, कहकशा 1991, राज से स्वराज, दर्द 1993, गुमराह 1995, खामोश 1996, महायज्ञ 1997, तेरे मेरे सपने 1998, पलछिन 1999। इनके प्रमुख नाटकों के नाम 1968 में कोकेशियान चौक सर्कल, 1975 में एंटीगोन, 1975 में तुगलक, ओथेलो, डेटेंट की मौत, राजा लेयर, तीन पेनी ओपेरा, महाभोज, नागवंडल, कहो कथा खुजराहो की मैं, मातम बर्ब। 2003 में एनएसडी ने अपनी स्मृति में मनोहर सिंह स्मृति नामक पुरस्कार नामक एक पुरस्कार की स्थापना की जो स्कूल के युवा स्नातक 50 वर्ष की आयु तक को प्रदान किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।